Now the next question, question number eight. In triangle ABC, D and E are points on AB and AC respectively, such that DE parallel to BC. If a equal to two centimeter, is equal to three centimeter, and b is equal to ten centimeter, then find the length of DE. Here we have a triangle ABC. and D and E two points on AB and AC respectively. Here हमें find करना है length of D देखो ध्यान से given क्या है DE parallel है हमारे पास BC के. It means यहाँ से हमारे पास angle ADE equal to angle ABC why? क्योंकि हमारे पास AB हमारी जो line है वो एज ए ट्रांसवर्शल वर्क करेगी फॉर डी एंड बी सी क्योंकि ये दोनों क्या हैं पैरल यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है ये हमारे पास क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलरली एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी ठीक है अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है हमारे पास ट्रेंगल ए डी ई के क्लियर है बात यानी कि दिस ट्रेंगल सिमिलर टू कंप्लीट ट्रैंगल यानी ए बी सी के अब यहाँ से हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि साइड्स का रेशियो भी क्या होगा सेम होगा तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम क्या हो जाएगा हमारे पास देखो हमें फाइंड क्या करना है डी तो डी का यूज़ करेंगे डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए अपॉन ए सी ठीक है अब देखो डी हमें में फाइंड करना है बी सी में गिवन है डी ई अपॉन बी सी 10 टेन सेंटीमीटर ए ई हमारे पास है टू एंड ए सी टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा हमारे पास फाइव ठीक है तो यहाँ से हमारे पास डी ई इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ठीक है दिस द लेंथ ऑफ डी क्लियर है बात आप यहाँ पर एक हम और भी यूज़ कर सकते हैं